स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों हम लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट सस्पेंस थ्रिलर मूवियां अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, वीडियो एंजॉय करें प्लीज। दो हजार 2017 में आई मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी वागा एक्सप्रेस, जिसकी IMDb रेटिंग है 4.8, 60% गूगल यूजर्स से लाइक किया, तमिल भाषा की मूवी है, हिंदी भाषा में सेम नाम से डब है। मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी की लीड रोल में नजर आएंगे आपको आर.के. नीतू, चंद्रा इनाया जैसे अन्य कलाकार। मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो दोस्तों मूवी की कहानी में दिखाया गया है एक ट्रेन में 3 महिला की मौत हो जाती और उनकी मौत के पीछे के लोगों को तलाश की जाती। इंस्पेक्टर रहमान ये पता लगाने के लिए युवा लड़कियों के साथ क्या हुआ है उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तो अब क्या होता है आगे, क्या इन्वेस्टिगेशन में मिलता है, क्या क्या इसमें टर्न ट्विस्ट आते हैं जाने, मूवी देखनी पड़ेगी दोस्तों। मूवी बहुत अच्छी दोस्तों, मूवी आपको काफी पसंद आने वाली है, मूवी ये देखने लायक मूवी है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यूट्यूब पर अपलोड है, देख लेना दोस्तों। अगर 22 में आई मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी कर्मण्य वेदिका रस्ते, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.10, कन्नड़ भाषा की मूवी है, हिंदी में सेम नाम से डब है ये। मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों मूवी के लीड रोल में नजर आएंगे आपको प्रतीक, सूर्यमणि, दिव्य गौड़ा जैसे अन्य कलाकार। मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो दोस्तों मूवी की कहानी में नजर आएगा जब एक प्रसिद्ध पुरातत्व डॉक्टर गुना कीमत की मौत हो जाती है तो इसे लेके बहुत ही ज्यादा सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। तब वेद और जानवी नाम की हत्या के पीछे का रहस्य सुलझाने के लिए निकल पड़ते हैं, जो उन्हें सदियों पुराना दबा हुआ एक रहस्य तक लेके जाता है। तो आखिर क्या रहस्य सामने आता है, उसकी हत्या के पीछे कौन था, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी बहुत अच्छी है दोस्तों, मूवी आपको काफी पसंद आएगी, ये मूवी बहुत अच्छी मूवी, यूट्यूब पर अपलोड है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज वॉचिंग दोस्तों। 2021 में आई मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी जल्दी जाना पड़ता है, गाँव में भूतों का आतंक है, कृष्णा कॉटेज, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.9, 93% गूगल यूजर से लाइक किया, कन्नड़ भाषा की मूवी है, हिंदी भाषा में सेम नाम से डब है। मूवी की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों मूवी के लीड रोल में नजर आएंगे आपको अजय राव, सिंधु, लोकनाथ जैसे अन्य कलाकार। मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो दोस्तों मूवी की कहानी में दिखाया गया एक जर्नलिस्ट होता है अजय नाम का, एक कृष्णा कॉटेज नाम के थिएटर में होने वाली रहस्यमय मौत के पीछे का रहस्य को उजागर करने की कोशिश करता है। तो आखिर उस थिएटर में ऐसा क्या था, वहाँ पर लगातार मौतें क्यों हो रही थी, कैसे वो रहस्य सामने आता है, ये जाने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी दोस्तों। ये भी एक देखना है मूवी, आपको काफी पसंद आएगी दोस्तों मूवी, मूवी लिंक हमने इसके होम में दे रखा है, प्लीज वॉचिंग दोस्तों। और ब्याह है जिसका उससे लेना देना नहीं, वो उसे भी अपना शत्रु मान बैठे तो वो अपने शत्रु पर अटैक करके उसे नुकसान कर। 2023 यानी इसी साल रिलीज हुई मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी नैना, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.10, 58% गूगल यूजर्स से लाइक किया है, तेलुगु भाषा की मूवी है, हिंदी भाषा मीनाक्षी नाम से डब है ये। मूवी की स्टार कास्ट के बारे में बात करो तो दोस्तों मूवी के लीड रोल में नजर आएंगे आप रजीना, आकाश, गौरव, किशोर प्रकाश जैसे अन्य कलाकार। मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करो तो दोस्तों मूवी की कहानी में दिखाया गया है दो पीरियड यानी कि वर्तमान 1920 के दशक पर आधारित है। प्रेजेंट टाइम में दिव्य प्रतिभाशाली आर्कियोलॉजिस्ट होती है जो कि नलगोड़ा पुलिस विभाग की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या के एक मामले में मदद करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिव्या 120 साल पुरानी महिला का कंकाल ढूंढ निकालती है, लेकिन कहानी में चुस्त तब आता है फोरेंसिक रिपोर्ट में ये आता है कि उस कंकाल के सभी फ्यूचर दिव्या के साथ हुबहू मिलते हैं। तो अब ये कैसे संभव है, 120 साल पुराने कंकाल के फ्यूचर दिव्या के साथ कैसे मिलते हैं, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, मूवी बहुत अच्छी दोस्तों, मूवी आपको काफी पसंद आएगी, मूवी यूट्यूब पर अपलोड है, लिंक हमने दे रखा है, प्लीज वॉचिंग दोस्तों। मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी CID, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.8, 86 गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया, तेलुगु भाषा की मूवी है, हिंदी भाषा में सेम नाम से डब है। दोस्तों मूवी की लीड रोल में नजर आएंगे आपको सुधाकर, लावण्य जैसे अन्य कलाकार। मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो दोस्तों मूवी में दिखाया गया कल्याण, बल्लू, अर्जुन और तीनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। एक दिन तीनों एक पब में जाते हैं, लेकिन वापस लौटते समय वो लोग गलती से एक हत्या और एक अपहरण के मामले में फंस जाते हैं। तो क्या इन तीनों ने क्या कोई अपहरण किया था, हत्या और अपहरण के मामले में वो तीनों कैसे फंस गए, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी के अंदर आपको सस्पेंस, ड्रामा, थ्रिल सब देखने को मिल जाएगा। मूवी काफी अच्छी है दोस्तों, वन टाइम वॉच इसे कह सकते हैं, आपको काफी पसंद आएगी दोस्तों। ये यूट्यूब पर ही अपलोड है, देख सकते हैं आप, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।